हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता इरफान खान का आज निधन हो गया। इरफान खान ने मुंबई स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में आज सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली। मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे कैंसर से जंग लड़ रहे थे। 4 दिन पहले ही इरफान खान की मां का निधन हुआ था। इरफान के निधन पर उनके परिवार की ओर से एक भावुक बयान जारी किया गया है। जारी बयान में कहा गया है कि मुझे भरोसा है, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इरफान खान अक्सर इन शब्दों का प्रयोग किया करते थे। साल 2018 में कैंसर से लड़ते समय भी इरफान ने अपने नोट में ये बातें कही थी। इरफान खान बेहद कम शब्दों में अपनी बात को कहा करते थे और बात करने के लिए आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। मशहूर अभिनेता इरफान खान के निधन से सिर्फ सिनेमा जगत के लोग ही दुखी नहीं हैं, बल्कि भारत सहित दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोगों ने अपना शोक प्रकट किया है। हिंदी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया था। सिनेमा पर इरफान का जादू हर किरदार में चला है। यही वजह है कि हर वर्ग के लोग उनके चले जाने पर कमी महसूस कर रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि वे एक अविश्वसनीय प्रतिभा, एक महान सहयोगी, सिनेमा की दुनिया के लिए एक शानदार योगदान करता थे। राहुल गांधी ने भी कहा कि एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेता, वह वैश्विक फिल्म और टीवी मंच पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्हें बहुत याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आपका मीडियम हिंदी हो या अंग्रेजी, अगर अपनी कला में निपुण हैं तो आप ही असली चैंपियन हैं। रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ में भी इरफान खान जी ने यही सिखाया है। उनका जाना बॉलीवुड सहित पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है। आप जहाँ रहेंगे महानायक रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री के दफ्तर को अनफॉलो कर दिया है। बता दें कि व्हाइट हाउस के इस कदम से पहले तक उसका आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिर्फ भारत से जुड़े 6 ट्विटर हैंडल्स को ही फॉलो कर रहा था, जो कि गैर अमेरिकी थे। भारत के अलावा ऐसा एक भी गैर अमेरिकी ट्विटर हैंडल नहीं था जिसे व्हाइट हाउस फॉलो कर रहा हो। कोरोना वायरस से जंग के बीच व्हाइट हाउस की ओर से ये फैसला किन परिस्थितियों में किया गया है यह अभी साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि पिछले 10 अप्रैल को ही व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी ट्विटर हैंडल, उनके दफ्तर यानी पीएमओ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ट्विटर पर फॉलो किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दुनिया के ऐसे एकमात्र नेता बन गए थे जिसे व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलो करना शुरू किया था। कोरोना संकट में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य देशों को 15 अरब डॉलर की राशि आवंटित करेगा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की कोरोना वायरस को लेकर हुई बैठक के बाद रूस के विदेश मंत्री सेर्गी लावराव ने ये जानकारी दी है। मतलब ये कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के इस फैसले का फायदा भारत को भी मिलेगा। रूस के विदेश मंत्री सेर्गी ने कहा, कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका लेकर आई है। पूरी दुनिया की सरकारें इस झटके को हल्का करने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। हमारा मानना है कि यह हमारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत अच्छी मदद होगी। इससे पहले भारत की मदद के लिए एशियन डेवलपमेंट भी आगे आ चुका है। बीते दिनों एडीबी के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात भी की है। एडीबी बैंक ने भारत को 2.2 अरब डॉलर यानी लगभग 16,700 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। नारायणपुर में आज पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई, वहीं पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। मुठभेड़ स्थल से एक एसएलआर राइफल और 12 बोर की बंदूक बरामद की गई है। घटना की जानकारी एसपी मोहित गर्ग ने दी है। करिनार करिया मेटा के बीच बुरगम की घटना है जहां नक्सलियों ने रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था। नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर जमकर फायरिंग की। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक महिला नक्सली ढेर हो गई। घायल जवानों को रायपुर स्थित अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के संबंध में उद्योग विभाग के प्रस्तावित कार्य योजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। उन्होंने उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव को कुछ चुनिंदा सेक्टर के उद्योगों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करने के लिए
आवश्यक चर्चा और पत्राचार करने की बात भी कही है। राज्य में ऑटोमोबाइल, आयरन एवं स्टील, भारी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वायर, ऑप्टिकल फाइबर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योगों की स्थापना के लिए प्राथमिकता से विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।